हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जींस स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक। ये डिज़ाइन सिर्फ 10 रोज़ का डिज़ाइन है, आपको वही 10 रोज़ रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 8 + 2 एडिस्टेशन फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 + 2। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 8 2 × 8 + 2 एडजस्टेड करके टोटल 18 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको राइट साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है पूरी रो। फर्स्ट रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो आपको राइट साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है पूरी रो। थर्ड रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो में आपको यहाँ पर आपको डिजाइन डालना है रॉन्ग साइड। एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये एक फंदा में आपको 2 बार एन ओवर करके उल्टा बुनना है, ऐसे 1 2 ऐसे 2 बार एन ओवर करना है। अब यही करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी रो यही करके रो कंप्लीट करना है सब में, से 2 बार 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ तक मैंने इस स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक मैंने सभी फंदों में 2 2 बार एन ओवर करके रो कंप्लीट कर लिया है। फिर आपको लास्ट में एक फंदा को एडजस्टेड को इसको उल्टा बोलना है। 4 रो कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो में आपको यहाँ पर एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। इस 4 फंदों को आप एन ओवर किया फंदा को 4 फंदों को अनरैप करना है। ऐसे 1 स्लिप करना है, 1 2 3 4। अब ये 4 फंदों को इस लेफ्ट नीडल पे लेना है ऐसे। अब ये 4 फंदों को ट्विस्ट करना है आगे से, इस दो फंदों को छोड़कर इस 2 फंदों को आगे से राइट नीडल पे लेना है, फिर पीछे से 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे ऐसे ट्विस्ट करना है। अब ये 2 फंदों को फिर से लेफ्ट में लेना है, फिर 4 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3 4। और फिर से 4 फंदों को स्लिप करना है, 1 2
तीन चार। अब ये चार भन्दा को फिर से लेफ्ट रिजल्ट लेना है ऐसे। अब ये दो चार भन्दा को पीछे से ट्विस्ट करना है, स्टो फंदा को छोड़कर स्टो फंदा को राइट मिरर पे लेना है, फिर आगे के दो फंदों को लेफ्ट मिरर पे ऐसे। अब चार फंदों को सीधा बुनना है। एक दो तीन चार, यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ही रिपीट करना है। स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। चार फंदों को ट्विस्ट करना है स्लिप करके, सॉरी स्लिप करके चार फंदों को ट्विस्ट करना है आगे से, इस चार फंदों को फिर चार फंदों को ट्विस्ट करना है पीछे से। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, फिर से रिपीट करना है यहाँ पर। फिर एक बार चार फंदों को ट्विस्ट करना है, एक दो तीन चार। अब ये चार फंदों को लेफ्ट मिडल पर लेना है, दो तीन चार। अब ये चार फंदों को ट्विस्ट करना है आगे से, दो फंदों को आगे से लेना है, फिर दो फंदे के पीछे से। अब ये चार फंदों को सीधा, एक दो तीन चार। अब फिर से चार फंदों को ट्विस्ट करना है, एक दो तीन चार। अब ये चार फंदों को लेफ्ट मिडल पर लेना है, एक दो तीन चार। अब ये चार फंदों को पीछे से ट्विस्ट करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदों को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो। अब सिक्स रो रॉन्ग साइज सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो, सेवन रो राइट साइड आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेवन रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो, एट रो रॉन्ग साइड आपको रो फोर जैसे बुनना है। एट रो में भी एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। इस एक फंदा में आपको दो बार एंड ओवर करके उल्टा बुनना है इसे, एक दो। अब ये करना है आपको पूरी रो में, इस एक फंदा में आपको दो बार एंड ओवर करना है, एक दो, पूरी रो आप ऐसे कंप्लीट करना है। यहाँ तक स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक मैंने दो बार एंड ओवर करके एक फंदा को उल्टा बुना है। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बचेगा इसको एडजस्ट इसको उल्टा बुनना है। एट रो कंप्लीट कर लिया है, नाइन रो, नाइन रो राइट साइड आपको एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब चार फंदों को इसको स्लिप करना है, एक दो तीन चार। अब ये चार फंदों को फिर से लेफ्ट में लेना है,
एक दो तीन चार। अब यहाँ पर आपको ट्विस्ट करना है, इस चार फंदों को ट्विस्ट करना है पीछे से। दो फंदों को राइट निडल पे लेना है, फिर आगे के दो फंदों को लेफ्ट निडल पे ऐसे। अब ये दो फंदों को भी लेफ्ट में लेना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब फिर से अब चार फंदों को ट्विस्ट करना है। अब एक दो तीन चार। अब ये चार फंदों को फिर से लेफ्ट निडल पे लेना है इसे। अब ये चार फंदों के आगे से ट्विस्ट करना है। अब दो फंदों को राइट निडल पे लेना है, फिर दो फंदों के लेफ्ट निडल पे। अब ये चार फंदों को सीधा, एक दो तीन चार। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदों को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। चार फंदों को स्लिप करके इस चार फंदों को ट्विस्ट करना है पीछे से, फिर चार फंदों को ट्विस्ट करके, सॉरी चार फंदों को ट्विस्ट करना है आगे से। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, फिर से अब एक लास्ट रिपीट करना है। चार फंदा स्लिप, एक दो तीन चार, फिर लेफ्ट निडल पे लेना है। अब पीछे से ट्विस्ट करना है इस चार फंदों को। अब ये चार फंदों को सीधा बुन देना है, एक दो तीन चार। फिर से ट्विस्ट करना है चार फंदों को, एक दो तीन चार। अब आगे से ट्विस्ट करना है ऐसे, दो फंदों को लेफ्ट मिडल पे लेना है, पीछे से दो फंदों को लेफ्ट मिडल पे। अब ये चार फंदों को सीधा बुन देना है, एक दो तीन चार। यहाँ तक मैंने दो बार रिपीट किया है स्लिप फंदों को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक एक दो फंदा दो बार रिपीट किया है। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसके जिसको सीधा बुनना है। नाइन्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। टेन रो लास्ट रो, रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तीन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए तीन रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से तीन रो तक ही रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको रो वन से स्टार्ट करना है राइट साइड से, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।